गुरदासपुर जिले की रहने वाली यह वही मासूम लड़की है जिसकी सहेली ने ही उसकी जिंदगी अपने भाई के हाथों बर्बाद करवा दी। हैरानी की बात यह है कि कैसे कोई भाई अपनी बहन से ऐसी गंदी मांग कर सकता है और एक लड़की होते हुए कैसे अपनी ही नाबालिग सहेली को अपने भाई की हवस मिटाने के लिए तैयार किया होगा। पीड़ित लड़की के आपबीती सुनाते हुए कहा कि गुरदासपुर जिले में की रहने वाली है। गांव अकरपुर के रहने वाले लड़के के उसके गांव में नानके हैं। प्रेमी की बहन उसकी सहेली बन गई। पीड़ित नाबालिग थी और बला की सुंदरता के चलते सहेली के भाई ने अपनी बहन को इस्तेमाल कर शादी का झांसा देते हुए उसका MMS बनाकर वायलर करने की धमकी देते हुए बलात्कार करता रहा। मामला परिवार तक पहुंचा तो बालिग होने पर शादी की सहमति बनी। जब लड़की बालिग हुई तो लड़के वाले लड़की के चरित्र पर सवाल करने लगे और शादी से मना कर दिया। पीड़ित लड़के ने बहादुरी दिखाते हुए शादी न करने का फैसला लिया और पुलिस को 3/10/2016 को साजिश के तहत बलात्कार की शिकायत दर्ज करा दी। पीड़ित लड़के दोषियों को अब गुनाहों की सजा दिलाते हुए दोषी भाई बहन को सलाखों के पीछे देखना चाहती है। पीड़िता का कहना है कि तब नाबालिग थी और जब आरोपी जुझार सिंह फौज में भर्ती हो गया तभी से उसकी और उसके परिवार की नीयत बदल गई थी और वह शादी से मना कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई तो तब की महिला थाने की प्रभारी बलजीत कौर ने दोनों परिवारों में लिखित में शादी करवाने का राजीनामा भी करवा दिया था। राजीनामा होते ही जुझार और उसका परिवार उसे धमकियां देने लगे और 20 लाख रुपए लेकर बात को छोड़ने का दबाव बनाने लगे थे, जिसके बाद फिर पुलिस को अक्टूबर 2017 में शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने ना को शिकायत करवाई और ना ही कोई कार्रवाई की। जबकि जुझार सिंह का परिवार उनको धमकाते हुए कह रहा था कि उनके 2 MLA खासम खास हैं, जो मर्जी करके कुछ भी नहीं होगा। SSP बटाला को अपनी शिकायत देते हुए पीड़ित लड़की ने आपबीती सुनाई तो SSP बटाला ने इंसाफ का भरोसा देते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरदासपुर से रशपाल सिंह, आजाद TV न्यूज। सर बलजीत कौर ने तो उन्होंने ज़्यादा मतलब साइड ले ही मेरे दबाव पाना उत्थे शुरू करता, क्योंकि उत्थे भी उन्होंने प्रैक्टिकल जी मतलब उन्होंने हेल्प ले ली ही। तो उत्थे उन्होंने मैंने इदा कहता कि तू पैसे ले ला, मेरे तो उन्होंने दबाव पाने स्टार्ट करते, मेरा इदा ही इनक्वायरी करद्या मेरा इदा ही उन्होंने मैंने कंपेल करवा दिता, पर मेरा कोई खास इन्ना कंपेल नहीं करवाया गा, सगों मेरा साल पवा दिता। तो साल तो बाद मुकर गए तो उल्टी उन्होंने मेरे सगों करैक्ट लैस की मेरे से दरखास्त दे दिती। वो ये लिखाया ही कि 6 अक्टूबर 2017 जी मेरी एंगेजमेंट की जाऊगी वो, तो दिसंबर महीने से मैरिज की जाएगी, तो पर 6 अक्टूबर तो पहला ही उन्होंने मेरे जो करैक्ट लैस का जरा वा दरखास्त दे दी गई। तो मेरे घर मतलब बंदे भी आए, औरत भी आए, मैंने बहुत गलत बोल के गए हैं।